हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा राधे राधे। तो आज जो है हम करने वाले हैं अपने पीतल की डीटीज की सफाई। ये देखिए लक्ष्मी नारायण जी की डीटीज है। एक्चुअली ये ना पीतल जो होता है ना, रखे रखे काला हो जाता है। चाहे कितना भी डेली आप रेगुलर सफाई करो, स्टिल रखे रखे ये काले हो ही जाते हैं। तो इनको वीकली या जैसे जब भी आपको टाइम मिले इनको क्लीन ज़रूर करना चाहिए। तो ये देखिए, ये मेरे पास बहुत ही सुंदर कान्हा जी की डीटी है जो कि मैं मथुरा से लेकर आई थी। बहुत ही सुंदर लगते हैं मुझे। चलिए, तो और ये है नारायण जी की मूर्ति, ये बहुत सुंदर है। ये हमें कहीं से गिफ्ट मिली है। नारायण जी कहें तो अपने आप हमारे घर चल कर आए हैं। ये देखिए मैंने तैयार कर लिया है वाटर। ये बिल्कुल प्लेन वाटर है जिसमें मैंने पीताम्बरी ऐड कर दी है 2 चम्मच। जितनी भी आप ऐड करना चाहो उतनी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसमें कान्हा जी की, नारायण जी की और लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति को हम रख देंगे। करीबन आप 1 आवर तक रख सकते हो, उससे ज़्यादा भी रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। तो करीबन 1 आवर के लिए मैंने इन्हें 1 से 2 आवर के लिए इसमें रख दिया है। तो 1 से 2 आवर के बाद हम चेक करेंगे कि कैसा है। ये देखिए इसमें एक, ये देखिए अच्छे से डीटीज को हम इसमें लेटा देंगे ताकि वो आराम भी करें। और एक और बात, जब मैंने इनको भिगोया था ना तो उससे पहले ही मैंने उनको प्रणाम कर दिया था कि भगवान जी आज हम आपकी डीटीज को साफ करेंगे, तो प्लीज़ आप अभी मंदिर में विराजमान होइए और डीटीज में से बाहर आ जाइए। तो ऐसी प्रार्थना हमें कर देनी चाहिए जब भी हम डीटीज की सफाई करते हैं। आपको दिखा देते हैं आपको थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए 1 से 2 आवर हो गया है और डीटीज देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। ऑलरेडी जो डर्ट वगैरह, मिट्टी वगैरह, धूल वगैरह इन पे लगा हुआ था वो काफ़ी हद तक रिमूव हो चुका है। तो अब जो है, अब हम इनके लिए, हमें कोई कुछ भी केमिकल वगैरह कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम यूज़ करेंगे कर्ड एंड लेमन, एंड दीज टू इंग्रेडिएंट्स आर इनफ। इसके अलावा हमें कुछ भी और यूज़ नहीं करना है। हाँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा और बिल्कुल शाइन करना चाहते हो तो आप मार्केट में बहुत केमिकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो यूज़ कर सकते हो, बट आई डोंट प्रेफर यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स। तो मैं नहीं करती हूँ ड्यूटीज़ के ऊपर, तो इसलिए मैं कर्ड और लेमन से ही इनको अच्छे से क्लीन कर दूँगी ताकि इनमें अच्छे से शाइन आ जाए। जितनी भी डर्ट है देखिए अभी कितनी कालापन है। ठीक है, माथे पे तिलक लगाते हैं तो उसका रेड रेड निशान हो गया है, मतलब काफ़ी कुछ है। तो ये सब जो है हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए कर्ड जो है सबसे अच्छा है, क्योंकि देखिए बच्चे जब छोटे होते हैं उनको भी दही से और बेसन से नहलाते हैं। तो ठीक इसी तरह से हम अपनी डीटीज़ को भी कर्ड से स्नान करवा देंगे। बेसिकली जब हम पंचामृत से स्नान करते हैं वो भी बहुत बेटर है। वो इसलिए करते हैं कि डीटी बिल्कुल चमक जाती है और बहुत अच्छा माना जाता है पंचामृत से स्नान करना। बट पंचामृत से स्नान तो एक परंपरा है जो हम करते हैं, बट अगर हमें डीटी इसको चमकाना है के पर्पज से स्नान करवाना है तो कर्ड इज़ अ वेरी बेटर ऑप्शन। आप कर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कर्ड और लेमन, तो ये देखिए मैं अच्छे से सेटिंग कर देती हूँ थोड़ा, ताकि आपको भी अच्छे से दिखाई दे वीडियो में। ठीक है, तो ये देखिए मैंने सिर्फ लेमन कर्ड और सिर्फ एक लोटा पानी लिया हुआ है, केवल हम उसी को यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डीटीज को क्लीन करना। तो सबसे पहले जो है ना कान्हा जी की डीटी को क्लीन कर लेते हैं। इन पे अच्छे से कर्ड हम लगाएंगे, लेमन लगाएंगे और अच्छे से क्लीन करेंगे। आपको बहुत अच्छे से रब करना है, बहुत ज़्यादा हार्श हैंड यूज़ नहीं करना है। ठीक है, आप सॉफ्ट हैंड से भी करेंगे तो भी इजीली जो है क्लीन हो जाएंगे। तो आप अच्छे से कर्ड से इन्हें क्लीन करिए। ये देखिए एक एक चम्मच करके, मैं थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ सारा नहीं डालना है वरना तो आपको क्या होगा कर्डी ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा करके डालें और उसे अच्छे से रब करें ताकि जितनी भी डर्ट है जो जमी हुई है वो सब निकल जाए। ठीक है, ये लेमन का भी मैं साथ साथ यूज़ कर रही हूँ। पहले कर्ड से हम अच्छे से रब करेंगे, उसके बाद हम लेमन से करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ वासुदेव। गोवर्धन गिरधारी कृष्ण कृष्ण, मोर मुकुट बनवारी कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण। गोवर्धन गिरधारी कृष्ण कृष्ण, मोर मुकुट बनवारी कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये देखिए अब अच्छे से क्लीन कर चुके हैं। अब मैंने प्लेन साफ वाटर से स्नान करवा के अच्छे से टॉवल से जो है अच्छे से क्लीन करेंगे। ये देखिए कितनी शाइन आ गई है, जितनी भी डर्ट धूल जमी हुई थी सब निकल गई है। तब मैं ये सब सभी डीटीज़ को प्लेन वाटर से वॉश करके और उन्हें अच्छे से टॉवल से ड्राई कर देंगे और फिर स्वस्थ साफ स्थान पर उन्हें विराजमान कर देंगे, किसी भी साफ सुथरी जगह पर उन्हें विराजमान कर देंगे। ये देखिए पानी का कलर आप देख सकते हैं कि पानी का कलर कैसा हो गया है, क्योंकि जितनी भी धूल मिट्टी थी वो सब निकल गई है, तो इसलिए पानी का कलर थोड़ा सा काला हो गया है। तो ये देखिए हमारी डीटी कितनी साफ सुथरी हो चुकी है, बिल्कुल चमक गई हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से साफ हो गई हैं। और जो पीतल है, पीतल की चमक अब अलग से निखर के आ रही है। तो इस तरह से आप अपने घर पर ही अपनी पीतल की डीटीज़ को क्लीन कर सकते हैं बिना कोई केमिकल यूज़ करे। अगर आप मार्केट से केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ करके अपनी डीटीज़ को क्लीन करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है, उससे हो सकता है और ज़्यादा शाइन करें, बट आई डोंट प्रेफर दैट। तो